Hey, what is up guys, welcome back to our channel Sohail Saifi Vlog. So, इस वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर और क्रिसमस आने ही वाला है, सो उसी के लिए नोएडा में स्पेशल मेला लग चुका है जो कि लगा हुआ है नोएडा स्टेडियम में. एंड मैं यहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये मेला कब तक चलने वाला है, यहाँ का टिकट का प्राइस क्या है, टाइमिंग, लोकेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और आने की साइड में किस तरीके से झूले हैं, क्या उनका प्राइस है और शॉपिंग के लिए क्या क्या मिलने वाला है. मैं कंप्लीट टूर के साथ साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ. सो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट. सबसे पहले बात कर लेते हैं मेले की लोकेशन के बारे में. सो ये जो मेला लगा हुआ है वो लगा हुआ है नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21A में, जो कि यहाँ का जो गूगल मैप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप इजीली मैप लगाकर यहाँ पे पहुंच सकते हो. एंड अगर आप यहाँ पे बाय मेट्रो आना चाहते हो सो यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो होगा नोएडा सेक्टर 18 का, जो कि वहां से आप कैब अपलोड करके यहाँ पर पहुंच सकते हो. और एंट्री जो होने वाली है वो हमारी होने वाली है गेट नंबर 6 से. गेट नंबर 6 के बाहर की साइड में देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, जो कि डिज्नी वर्ल्ड का एंट्री गेट बना रखा है. उसी के साथ यहाँ पे किंग कॉन्ग पार्क भी मिलने वाला है, बच्चों के लिए काफी तरह के झूले भी मिलने वाले हैं और खरीदारी के लिए भी काफी कुछ मिलने वाला है. जैसे कि आपको पता है विंटर आ चुकी है और विंटर के लिए किस किस तरीके क्लॉथ्स हैं वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा. सबसे पहले ये जो मेला चलने वाला है वो चलने वाला है 1 जनवरी 2023 तक, जिसकी टाइमिंग्स देने वाली है आफ्टरनून के 12 बजे से रात के 10:30 बजे तक. एंड पार्किंग जो है वो अंदर की साइड में अवेलेबल है, जो कि फ्री पार्किंग है. और अंदर की साइड में एंट्री के लिए आपको 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि आप सामने से लिख रहे हो, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो. जो टिकट होगा वो होगा 30 रुपए का. और 3 साल से जो नीचे के बच्चे हैं ना, उनका टिकट नहीं लगने वाला है, जो 3 साल से प्लस के हैं उनका पूरा टिकट लगेगा. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिज्नी वर्ल्ड का एंट्री गेट रहने वाला है, सो सामने से मैं देखो कितना प्यारा यहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड का एंट्री गेट बना रखा है, यहीं से एंट्री होने वाली है. टिकट लेते हैं उसके बाद चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. सो जस्ट हमने एंट्री कर ली है. एंट्री के बाद फर्स्ट लुक इस तरीके से है, जो कि सबसे पहले देखो शॉपिंग में काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जो कि एक करके मैं दिखा दूंगा. उसी के साथ देखो व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू है चारों साइड में. शॉपिंग के लिए तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है. सो एंट्री के बाद सबसे पहला स्टॉल इस तरीके से देखो पान का मिलने वाला है. सबसे पूछते हैं भाई पान किस किस तरीके से है आपके पास? स्वीट पान है, फायर पान है, चॉकलेट पान है. अच्छा, क्या क्या प्राइस है उनका? स्वीट पान 30 का, बाकी 80 रुपए का है ना. चॉकलेट पान, फायर पान, स्ट्रॉबेरी, मतलब फ्लेवर सारे ही हैं, फिर दो तीन सारे फ्लेवर्स मिलने वाले हैं. तो इस तरीके से देखो पान रहने वाले हैं. सो सामने से देखो एंट्री के बाद ये फर्स्ट स्टॉल है और यहाँ पर शॉपिंग में विंटर शॉपिंग में गर्ल्स के लिए काफी कुछ मिलने वाला है, जो कि इस तरीके से देखो सबसे पहले इस तरीके से गर्म प्लाजो या फिर पजामी बोलते हैं इनको, जो कि ये मिलने वाली है. ये देखो इस तरीके से रहने वाली है. प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है. एंड इसी के पास में अंदर की में चलते हैं. सबसे पहले बाहर की में देखो इस तरीके से लगा रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, शायद टॉप बोलते हैं, गर्म वूलन में है ये. और ये देखो कितने प्यारे प्यारे सेट रहने वाले हैं. एंड अंदर की साइड में और भी आते हैं, तो शॉपिंग में काफ़ी कुछ है, जो कि यहाँ पर देखो ये 550 में मिलने वाले हैं इस तरीके से स्वेटर्स, जो कि गर्ल्स के लिए रहने वाले हैं. और इनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं, वूलन में हैं, वूलन में रहने वाले हैं, कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे रहने वाले हैं. उसी के साथ देखो यहाँ पर 300 रुपये में सेल है, 300 रुपये में ये मेंस में गर्म पैंटें होने वाली हैं, जो कि गर्म पैंटें हैं और बहुत वैरायटी हैं, बहुत कलर्स हैं. उसी के पास में देखो यहाँ पर और भी आते हैं, तो ये 500 रुपीज़ में सेल है, जो कि वो 300 रुपये में थे. और यहाँ पे देखो 500 में यहाँ पर भी स्वेटर्स हैं, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स मिलने वाले हैं. जैसे कि ये देखो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी होने वाली है शॉपिंग में. इसी के पास में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी 300 रुपीज़ में सेल है. ये इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, नीचे की साइड में पहनते हैं इसको. तो ये देखो बहुत कलर्स हैं इसमें. इसी के पास में यहाँ पर आते हैं तो 600 रुपीज़ में सेल है, जो कि ये प्योर वूलन में रहने वाले हैं. और दिखाता हूँ मैं एक दो पीस निकाल निकाल के. ये देखिए इनमें बहुत सारी वैरायटी हैं, ये देखो ये सारी वैरायटी हैं, कलर्स भी हैं, काफ़ी वैरायटी हैं. और अंदर की साइड में भी शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे क्लॉथ्स हैं, जैसे कि स्वेटर्स हैं लेडीज़ में, एंड ये इस तरीके से हेयरबैंड बोलते हैं, हाँ वो भी हैं, और पजामे भी हैं. एंड ये भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, जो कि ये भी वूलन में है, ये थोड़े ब्रांडेड हैं और ये 1500 रुपीज़ में है. और ये भी वूलन में है, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत हैवी भी है, तो इनमें भी काफ़ी वैरायटी रहने वाली है. ये सारी वैरायटी है. एंड पीछे की साइड में भी बहुत सारे क्लॉथ्स हैं विंटर के लिए, क्योंकि देखो पीछे की साइड में भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं. और नेक्स्ट स्टॉल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है हैंडीक्राफ्ट का. हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जैसे कि इस तरीके से कप्स मिलने वाले हैं, प्लेट्स रहने वाली हैं, प्लेट्स की काफ़ी सारी वैरायटी हैं. एंड पीछे की में देखो और भी कप हैं. उसी के साइड में यहाँ पर आते हैं तो ये फ्लावर पॉट्स के कुछ डिज़ाइन हैं, जो कि ये देखो. एंड इस साइड में भी डिज़ाइन हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे डिज़ाइन रहने वाले हैं.
एंड ये देखो ये भी बहुत प्यारे प्यारे सेट हैं, ये देखिए। तो ये सब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट मिलने वाला है। और ये देखो पीछे भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। तो हैंडीक्राफ्ट अगर आपको आइटम परचेज़ करना है, पीछे से मैं देखो ये नारियल के जो छिलके होते हैं ना उससे बना रखा है। और उसी स्टॉल के पास एक और स्टॉल मिलने वाला है जो कि यहाँ पर सेल रहने वाली है 20, 30, 40 and 100 rupees and 150 and 200, मतलब 200 तक रहने वाला है लास्ट। सो इस तरीके से यहाँ पर भी होम यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ये देखिए प्लेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये देखो वहाँ पे 60 rupees में सेल है, कोई से भी ले सकते हो, ट्रे हैं एंड प्लेट्स हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं शॉपिंग में, जो कि मैं आपको और दिखाता हूँ। और यहाँ पर सामने से मैं देखो बच्चों की शॉपिंग के लिए मतलब टॉयज़ मिलने वाले हैं, जो कि ये देखिए इस तरीके से ये टॉयज़ हैं। एंड अंदर की साइड में यहाँ पर काफ़ी तरह के मास्क भी रहने वाले हैं, जो कि शी हल्क और टाइगर लॉयन काफ़ी तरीके रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो बच्चों के लिए इस तरीके से देखो ये सब हैं, ये देखो ये छोटा सा सैनिटाइज़र है, इसको डॉग का लुक दे रखा है, बहुत प्यारा है। अच्छा ये क्या है, मैजिक बॉल, क्या होता है इससे? अच्छा उछालते हैं तो बड़ी रहती है, ओके। तो ये मिलने वाली कितने कितने में? ये 250 रुपये में इस तरीके से, टूटती भी नहीं है गिरने से। तो ये स्टॉल है, इसी के पास में देखो एक और स्टॉल है जो कि फ्रेशनर के लिए लाइट्स होती हैं, जो कि ये देखो बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी रहने वाली है, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको हाइलाइट्स में। सामने से में देखो एक और स्टॉल मिला है जो कि यहाँ पर सूट रहने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया 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 वैरायटी के, जो कि सिल्क में रहने वाला है। पीछे की में आप सेल देख सकते हो, सेल का प्राइस देख सकते हो, और क्वालिटी देखो कितने बढ़िया यहाँ पे क्लॉथ्स हैं, डिज़ाइंस हैं। उसी के साथ देखो नीचे की साइड में यहाँ पर सेल है, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया वैरायटी के कपड़े रहने वाले हैं। तो ये सिल्क में रहने वाले हैं ना? ये सिल्क है जी, महेश्वरी सिल्क। महेश्वरी सिल्क, ओके। 2000 वाला सूट है, 1000 रुपये का मेला ऑफर। तो मतलब 2000 वाला 1000 रुपये मिल रहा है, कोई से भी ले सकते हैं इसमें, है ना? कोई सब ले सकते हैं। और इसी के पास में ये किस साइड किस तरीके, ये भी इसी के डिजाइन है, देखो कितने प्यारे प्यारे डिजाइन हैं इसमें। ये प्योर कोटा सिल्क, कोटा सिल्क, हाँ जी कोटा विद लाइनिंग कमीज सलवार। अच्छा 1000 में है ना सारा पूरा स्टॉल ही है? अच्छा कोई भी नहीं, 1000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि बहुत वैरायटी है उनके पास। एक और स्टॉल है जो कि यहाँ पर भी सूट में काफ़ी सारी वैरायटी रहने वाली है, बहुत तरह के सूट मिलने वाले हैं। ये देखिए पीछे की साइड में भी देख सकते हो आप, बहुत वैरायटी है। एंड इसी तरीके से शॉपिंग में काफ़ी सारे विंटर की शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलने वाले हैं, जो कि देखो एक और स्टॉल है यहाँ पर मेंस में जैकेट्स रहने वाली हैं, जो कि देखो मेंस में भी हैं और लेडीज़ में भी रहने वाली हैं, सारी वैरायटी की जैकेट्स रहने वाली हैं। उसी के साथ देखो बाहरी से मैं ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक सूट बोलते हैं शायद, हाँ ट्रैक सूट भी मिलने वाला है लेडीज़ में। ये देखो कितनी वैरायटी है यहाँ पर, ये इनकी पजामी प्लाजो हैं। और उसी के पास में यहाँ पर देखो यहाँ पर भी जैकेट्स मिलने वाली हैं। तो विंटर शॉपिंग के लिए तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है। इसी स्टॉल के पास में देखो यहाँ पर एक और स्टॉल है, यहाँ पर भी स्टॉल में काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, जो कि देखो ये 200 रुपये में सेल है, जो कि ये सारे प्लाजो रहने वाले हैं, ये भी प्लाजो हैं 250 में। और इसी के पास में पीछे की साइड में और चलते हैं, तो ये अच्छा ये गर्म लुक दे रखा है, मतलब गर्म में ही है, और इसको टू इन वन बना रखा है, जैसे विंटर का स्वेटर प्लस शर्ट मिक्स करके इसको बना रखा है। और ये सारी वैरायटी है 200 रुपये में। इसी के पास में देखो ये 300 रुपये में है, जो कि 300 रुपये में ये स्वेटर्स देने वाले हैं लेडीज़ में। ये देखिए ये सारी वैरायटी है। एंड पीछे की साइड में देखो, पीछे की साइड में भी काफ़ी तरह के स्वेटर्स मिलने वाले हैं। एंड इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं शॉपिंग के लिए, विंटर की शॉपिंग के लिए। और ये नेक्स्ट स्टॉल इस तरीके से है, जो कि यहाँ पर सेल लगी हुई है। कितने में सेल है भाई ये, कितने में से? सेल नहीं है, अलग अलग है। कितना कितना में से? ये वाला एरिया कितने का है? सभी अलग अलग चार्जेस है, सबका अलग अलग है, ठीक है। अच्छा तो सबका अलग चार्ज देने वाला है, ये सब आपको आइटम मिलने वाला है। इसी के पास में देखो ये बच्चों के टॉयज मिलने वाले हैं, ये मॉन्स्टर ट्रक है, और भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ये लेजर लाइट है, लाइट है, और स्पिनर रहने वाले हैं, ये चूड़ियाँ सी रहती है ना इस टाइप से, ये भी मिलने वाली हैं। तो शॉपिंग में देखो यहाँ पर सेल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो ये सारी वैरायटी है इनमें।
सो यहाँ पर देखो सेल लगी हुई है 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़ में हेयर कैप्स मिलने वाले हैं, जो कि ऊपर की शर्ट में सारे बच्चों के हैं। देखो कितनी वैरायटी है बच्चों में। और यहाँ पर लेडीज़ में रहने वाले हैं, ये लेडीज़ में है, ये भी लेडीज़ में है, और इसी के पास में मेंस में भी है। कैप भी है, कैप किस तरीके से? ऐसे में, बैलून में। अच्छा वूलन में, इस तरीके से। कितने कितने में? ये 200। ये भी 200 है। देखो इस तरीके से है, काफ़ी गर्म लग रहा है, और वूलन में है, और इस टाइप से भी रहने वाले हैं। ये मेंस में है और ये लेडीज़ में है, इसी के पास में ये बच्चों में है। और यहाँ पर भी विंटर में सेल रहने वाली है, 200 रुपये में ये कोट रहने वाले हैं और स्वेटर्स हैं। उसी के पास में देखो इस तरीके से ये भी 200 में सेल है, क्योंकि ये सारे विंटर में हैं। और कितनी वैरायटी है इनके पास भी। पीछे से में देखो प्लाजो सेट है, जो कि प्लाजो सेट नहीं है, मतलब प्राइस लिख रखा है 600 रुपीज़, लेकिन वो नाइट सूट रहने वाला है गर्म में, 300 रुपीज़ और 600 रुपीज़ में। उसी के पास में देखो जैकेट्स रहने वाली हैं, जो कि लेडीज़ में है, 750 रुपीज़। और इस टाइप से देखो ये भी 200 रुपीज़ में है, जो कि यूनिक तरीके से जो होते हैं ना, स्टॉल टाइप से हैं। अच्छा इनको स्टॉल ही बना लेते हैं, और स्वेटर टाइप से इनको पहन सकते हैं। तो इनमें भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं, और पीछे से में देखो वो भी हैं। तो ये देखो कितनी वैरायटी है यहाँ पर, 500 रुपीज़, और ये कुर्ती हैं 400 रुपीज़, एंड ये 200 रुपये में कोट हैं। तो 200 रुपये में आपको कोट मिल रहे हैं गर्म वाले। तो जैसे हम थोड़ा सा और आगे की साइड में, अंदर की साइड में आते हैं, तो यहाँ पर सेल लगी हुई है 500 रुपीज़ में, दो शर्ट रहने वाली हैं, जो कि वुलन के शर्ट, मतलब इसमें शर्ट भी हैं और स्वेटर्स भी हैं, दोनों ही है ना। अच्छा दोनों चीज़ें रहने वाली हैं। चाहे आप शर्ट ले लो, शर्ट भी आपको 250 रुपये की एक पड़ेगी और 500 की दो पड़ेंगी। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो इसमें स्वेटर भी मिक्स हैं, जो कि स्वेटर भी मिलने वाले हैं आपको। ये कितनी सारी वैरायटी है मेंस में यहाँ पर, ये देखिए पीछे की साइड में, यहाँ पर भी देखते हैं तो इस साइड में भी बहुत वैरायटी है। स्वेटर्स ले लो चाहे, और शर्ट ले लो, ये देखो कितनी वैरायटी है। और ये ओनली 250 में है, ये देखो प्योर लग रहा है, बिल्कुल ऊनी है पूरा, ये वैरायटी है पूरी इनके पास। और इसी टाइप से देखो ये सबसे बड़ा स्टॉल है यहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलने वाला है। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ये कंगन बोलते हैं सर इनको, ये देखो कितने प्यारे हैं, कितनी वैरायटी है, कितने कलर्स हैं कंगन में, और साइज सभी तरीके से मिल जाएंगे आपको। ये देखिए कितनी वैरायटी है यहाँ पर। उसी के साथ देखो यहाँ पे ये रिंग है इस टाइप से, और पीछे की साइड में काफ़ी वैरायटी, ये ईयर रिंग्स रहने वाली हैं, और क्लेचर्स रहने वाले हैं, एंड चश्मों की सेल का भी एक स्टॉल मिलने वाला है, जो कि देखो ये बच्चों में रहने वाले हैं। इसी के पास देखो ये साइड में लेडीज़ में है, ये कितनी वैरायटी है यहाँ पर, और ये मेंस में रहने वाली है। सो इस तरीके से देखो चश्मे भी मिलने वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे, और VIP रहने वाले हैं सारे। सो अब मैं आपको जल्दी जल्दी और भी स्टॉल्स दिखा देता हूँ। चलिए अब मैं आपको यहाँ का फूड कोर्ट दिखा देता हूँ, फूड कोर्ट में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले वहाँ पे सामने से में देखो भेलपुरी है, उसी के पास में देखो एक नेक्स्ट स्टॉल है, जो कि फूड स्टोर के नाम से है, और यहाँ पर काफ़ी कुछ है। जैसे कि सामने साइड में आप देखते हो ये सब मिलने वाला है, इसी के पास में आते हैं देखो ये पिज़्ज़ा पॉइंट है, और यहाँ पर पिज़्ज़े मिलने वाले हैं। पिज़्ज़े की वैरायटी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये पूरी वैरायटी है, और इस तरीके से सारे पिज़्ज़े रहने वाले हैं। एंड इसी के पास में आते हैं तो यहाँ पर हैं रेशु राठौर, जो कि अच्छा चिल्ली और इसको सैंडविच होते हैं ना दाल वाले, वो मिलने वाले हैं 50 रुपीज़ में होंगे ना, 50 में है। और इसी के पास में यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न मिलने वाली हैं, भुट्टे वगैरह। और सामने से देखो इस तरीके से यहाँ पर हैं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न के पास में ही है कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी के आगे साइड में चलते हैं तो वहाँ पर है
पापड़, ये देखो इस तरीके से पापड़ रहने वाले हैं। और यहाँ पर ओनली 50 रुपीज में पोटैटो ट्विस्टर मिलने वाला है। सो सामने की में सारा में नॉन वेज आइटम मिलने वाला है। सामने की में ये है चूर चूर नान वाले, और यहाँ पर कूलर खीर मिलने वाली है और मिक्स नान मिलने वाला है। और इस तरीके से देखो चाप है, चाप की सब्जी है। तो ये देखो इस तरीके से थाली रहने वाली है। सामने भी देखो दो चूर नान, दाल मखनी, शाही पनीर, रायता, अमूल बटर और सलाद। ये देखो यहाँ पर एक यूनिक मशीन देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर कॉटन कैंडी मिलने वाली है। कॉटन कैंडी आप अपने हिसाब से फ्लेवर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, मतलब जैसे शुगर कितनी डालनी है और किस टाइप से बनवाना चाहते हो, देखो इस टाइप से। और प्राइस मेंशन है, उसके बाद कंफर्म कर सकते हो और उसके बाद बन के रेडी होके आपके पास वहाँ से निकल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको झूले दिखाता हूँ। उससे पहले सबसे पहले देखो सामने से मैं यहाँ पर है डायनासोर पार्क, जिसका जो टिकट है वो है 70 रुपीज़ का, और 70 रुपये में आप डायनासोर पार्क देख सकते हो, जो कि आपको ऐसा फील होगा जैसे डायनासोर आपके सामने है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्चों के लिए इस तरीके से बंजिंग जंपिंग मिलने वाला है, जिसका टिकट है 150 रुपये। तो इस तरीके से इसमें फंसा दिया जाएगा, उसके बाद फट से ऊपर उड़ाया जाता है, काफ़ी मज़ा आता है इसमें। तो इस तरीके से ये फर्स्ट झूला है। इसी के पास में ये नेक्स्ट झूला है, जो कि कैंडी टाइप से इसको बना रखा है और यूनिक भी लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए इस टाइप से चलेगा। इसका टिकट कितने का भाई? 77। इसका 70 रुपीज़ का टिकट है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है और यूनिक भी है। ये वाला झूला बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट है। और सामने की साइड में यहाँ पर फैमिली वाला जो झूला होता है, फैमिली स्पेशल झूला जो होता है, वो सामने की साइड में आप देख रहे हो, ये है ड्रैगन ट्रेन वाला झूला, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसका जो प्राइस है वो भी 70 रुपीज़ का है, जो कि 70 रुपीज़ में आप ड्रैगन ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो सिंगल भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हो, सेफ एंड सिक्योर राइड होती है। एंड यहाँ का जो नेक्स्ट झूला है वो सामने की साइड में दिख रहे हो, ये है ब्रेक डांस वाला झूला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। सो इसका जो टिकट है वो भी 70 रुपीज़ का है। तो 70 रुपीज़ का टिकट लेकर आप ब्रेक डांस में भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। इसी के पास में आते हैं तो सामने की साइड में है भूत बंगला, तो भूत बंगला में भी आप जा सकते हो। और प्राइस अभी पूछ लेते हैं। सबसे पहले देखो कितने प्यार तरीके से डेकोरेट कर रखा है। और कितने का टिकट है इसका? 50। तो 50 रुपये का इसका टिकट है, और 50 रुपये का टिकट लेकर आप भूतों का एक्सपीरियंस ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जा रहे हो तो आप इसको पढ़ के जाना। एंड यहाँ पे सामने की साइड में देखो ये कोलंबस वाला झूला है, इसका जो टिकट है वो 80 रुपये का है। तो 80 रुपये का टिकट लेकर आप कोलंबस में भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। एंड इसी के पास में सामने की साइड में देखो ये जाइंट विलेज, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़े स्पेस में इसको लगा रखा है, तो इसमें भी आप इंजॉय कर सकते हो। इसका भी टिकट 80 रुपीज़ का है। एंड इसी टाइप से एक मिक्की माउस भी है, जो कि इसका जो टिकट है 50 रुपये का है। एंड अब मैं आपको बच्चों के लिए झूले दिखाता हूँ। बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं। सबसे पहले आप सामने से में देखो ये है जंपिंग वाला झूला, जो कि ट्रैम्पोलिन झूला बोलते हैं, और इसका जो टिकट है वो 50 रुपये का है। तो 50 रुपये का टिकट लेके बच्चे इसमें काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के पास में सामने से में देखो वो ये डक वाला झूला है शायद, हाँ तो डक वाला झूला है, डक वाला है। तो इसका जो टिकट है वो है 50 रुपीज़ का। तो 50 रुपीज़ का टिकट लेकर इसमें भी बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के पास में आते हैं तो ये बोटिंग वाला झूला होता है बच्चों के लिए, जो कि इसके जो पैडल होते हैं वो हाथ से चलाने होते हैं, और सेफ एंड बढ़िया जो झूला है वो बच्चों के लिए इस तरीके से ये भी है, और इसका भी टिकट 50 रुपये का ही है। एंड इस टाइप से बच्चों के लिए देखो एक टॉय ट्रेन भी मिलने वाली है, जो कि इसका भी टिकट 50 रुपये का ही है ओनली। एंड इसी के पास में आते हैं तो यहाँ पर है सामने से में हेलीकॉप्टर वाला झूला, जो कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों के लिए। एंड सामने से में देखो ये सेकंड ड्रैगन ट्रेन है, जो कि इसका प्राइस पूछ रहे हैं। कितने का टिकट है? 70 रुपये का। तो 70 रुपये का इसका टिकट है, और दिखाता हूँ मैं किस तरीके से चलती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिखाता हूँ। तो अगर आप कैमल राइड भी करना चाहते हो तो देखो ऊँट की सवारी भी आप अंदर ही साइड में कर सकते हो। प्राइस पूछ रहे हैं कितने रुपये भाई? कितने का टिकट है? 70 रुपये का। तो 70 रुपये का टिकट लेके आप कैमल राइड यहाँ पर कर सकते हो, जो कि देखो इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है और पूरे मेले का एक राउंड घुमाते हैं। और इसी टाइप से बच्चों के लिए और भी झूले हैं, जो कि सामने की साइड में आप देख रहे हो, इनका भी टिकट जो है वो 50 रुपये का ही है। और बच्चों के लिए इस तरीके से देखो टॉय कार भी मिलने वाली है, जो कि रिमोट कंट्रोल होती है, और एक राउंड आपको घुमाएंगे इस तरीके से,
और 50 rupees का चार्ज है 50 rupees का। सो कुछ इस तरीके से ये मेला था जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। शॉपिंग में यहाँ पर काफी कुछ मिलने वाला है जैसे कि आपने देखा, शॉपिंग के लिए काफी सारी आपके पास वैरायटी है। उसी के साथ शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पर कुछ झूले भी थे जो कि छोटे मोटे झूले थे और कम झूले हैं काफी। तो इस तरीके से ये ब्लॉग था। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अमेजिंग ब्लॉग्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलते ही रहते हैं। एंड कोई भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत ही जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।